हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की बात करते हैं और वो टेट्राहेड्रल की। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग स्प्लिटिंग थ्योरी पढ़े थे, कैसे स्प्लिटिंग होती है, क्यों होती है, उसके पीछे रीजन क्या था। और उसके बाद दूसरे वीडियो में हम लोग देखे थे कि ऑक्टाहेड्रल में कैसे स्प्लिटिंग होती है। और आज की वीडियो में हम लोग देखते हैं कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कैसे होती है। तो देखिए, जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, किसमें ज्यादा होगी, अंदाजा लगाइए। तो किसमें बोल रहे हैं आप कि ऑक्टाहेड्रल में ज्यादा होगी? एकदम सही बोला आपने, ऑक्टाहेड्रल में ज्यादा होगी। तो रीजन क्या है उसके पहले उसमें? तो देखिए, ये जो यहां पे सेंट्रल मेटल एटम है, इसमें कितने लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं? 6 लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं ऐसे, ठीक है। ये किसका एग्जांपल है? ये ये किसका है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ना, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ना। अब यहां पे वही सेंट्रल मेटल एटम है ये, अब कितने लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं? केवल 4 लिगेंड। तो 4 लिगेंड ज्यादा रिपल्सन क्रिएट करेंगे कि 6 लिगेंड? अगर किसी ऑब्जेक्ट पर 6 हथौड़े मारे जाए, किसी ऑब्जेक्ट पर 4 हथौड़े मारे जाए, तो किसके जो फ्रेगमेंट है ज्यादा दूर तक फैलेंगे? ऑक्टाहेड्रल के 6 लिगेंड उसमें। इसमें स्प्लिटिंग ज्यादा होगी ना, इसमें स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग ज्यादा होगी और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग क्या होगी? कम होगी, ठीक। दोनों में डिफरेंस क्या है कि देखिए, इस ऑक्टाहेड्रल में लिगेंड कैसे अप्रोच करता था? एक्सिली। ये कैसे अप्रोच करेगा? नॉन एक्सिली, ठीक। तो दोनों का अप्रोच अलग अलग है। लिगेंड टोटल कितने हैं? लिगेंड टोटल कितने हैं? 6 हैं। और इसमें लिगेंड कितने हैं टोटल? 4 हैं ना। तो इसकी स्प्लिटिंग क्या होगी? ज्यादा होगी, यानी मोर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। और इसकी क्या होगी? लेस क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो अब आज के बाद कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसमें जी आपने 6 हथौड़े मारे किसी पर ऑब्जेक्ट पर, और फिर उसी टाइप का दूसरा ऑब्जेक्ट उसके 4 हथौड़े मारे, तो किसी के टुकड़े ज्यादा होंगे? 6 ऑब्जेक्ट पर जिसपे 6 हथौड़े मारे आपने, तो उसमें स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। यानी टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग कम होगी, ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। दोनों में इंटायरली डिफरेंस है। देखिए, यहां के लिगेंड कैसे अप्रोच करेगा? एक्सेली, एक्सिस पर से। यहां के लिगेंड नॉन एक्सेली ना, और इस लिगेंड 4 है, और लेस क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होगी, इसमें क्या होगी? ज्यादा होगी। तो ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब आज इसकी हम लोग बात करते हैं कि टेट्राहेड्रल में कैसे स्प्लिटिंग होगी। तो देखिए, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ना, तो कितने लिगेंड? देयर आर 4 लिगेंड ना। अप्रोच सेंट्रल मेटल एटम कैसे? नॉन एक्सियली ना, तो किसमें रिपल्शन ज्यादा होगा? नॉन एक्सियल ऑर्बिटल कौन कौन से है? डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड फील्स मोर रिपल्शन। इसमें रिपल्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। और जो एक्सियल ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बस इस चीज को याद रखना है कि नॉन एक्सियल ऑर्बिटल फील्स मोर रिपल्शन बाय लिगेंड, ठीक है, एज कंपेयर टू डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ऐसे अगर ये लाइन आपको याद रहेगी तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में। बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि किसमें T2G ऊपर बनाए, किसमें नीचे बनाए। तो लिगेंड का अप्रोच अलग अलग है,
ऑक्टाहेड्रल में एक्सिस पर से अप्रोच करता है ना, और टेट्राहेड्रल में इन बिटवीन द एक्सिस पर से। तो जहां से अप्रोच करेगा उस ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। और ये आप पहले से पढ़े हैं पहले दो वीडियो में कि स्प्लिटिंग तब होती है जब उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा हो जाता है, एसिमेट्रिकल हो जाता है, ठीक। तो अब देखिए इन चीजों को याद रखिए, फिर उसके बाद फिर सब कुछ याद आएगा, कंपटीशन बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे फिर पहले जैसा एनर्जी है यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे फिर अगेन क्या है, ए डी ऑर्बिटल है ऐसे, ए डी ऑर्बिटल कर्व इन अब्सेंस ऑफ लिगेंड, तो ये डिजेनरेट है कि नहीं, सबकी एनर्जी बराबर है, दैट्स व्हाई डिजेनरेट। अब ये जब अप्रोच करेगा ऐसे, ठीक है, ये अप्रोच किया, इसकी एनर्जी थोड़ी सी बढ़ेगी, ये भी अगेन डी ऑर्बिटल है, अगेन डी ऑर्बिटल है, लेकिन कब है, इन इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड, लिगेंड है तब ऐसा है, ठीक है। देखिए यहां से लेकर के यहां तक इलेक्ट्रॉन क्लाउड और फोर्स रिमेन सिमेट्रिकल, इसीलिए सब डिजनरेट हैं, स्प्लिट नहीं किए हैं। अब फर्दर क्या होगा कि अब स्प्लिट कर जाएंगे ऐसे, तो सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये है, उसी कंफ्यूजन को आप खत्म कर लीजिए कि कौन से किसको ऊपर बनाए किसको नीचे बनाए। तो टेट्राहेड्रल में ये सब ऑर्बिटल जो है ना, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, और ये क्या है, डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी एक्स जेड। तो जो लिगेंड अप्रोच कर रहा है कैसे, नॉन एक्सियली, नॉन एक्सियली एक्सिस के बीच में है, इन बिटवीन द एक्सिस, दैट्स व्हाई नॉन एक्सियल, इन बिटवीन द एक्सिस मींस नॉन एक्सियल। तो इन सबकी एनर्जी बढ़ गई, इसकी एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई, और सब कुछ पहले जैसा। देखिए आपने यहां से ऐसे किया, इधर इसकी एनर्जी जो बढ़ी वो कितना है, प्लस पॉइंट फोर डेल्टा टी, टीफा टेट्राहेड्रल ना, और इसकी कम हुई कितना, पॉइंट सिक्स डेल्टा टी, टीफा अगेन टेट्राहेड्रल, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो एनर्जी का डिफरेंस है ऐसे, इसी को आप क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फेज स्टेबलाइजेशन एनर्जी ना, ऐसी का दूसरा नाम क्या है, आर डेल्टा टी, टीफा टेट्राहेड्रल। तो देखिए टेट्राहेड्रल में ये दोनों नीचे रहेंगे जो एक्सिस पर हैं, और जो एक्सिस के बीचों बीच है उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इन दोनों बीच की एनर्जी के डिफरेंस क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। और जब सिक्स लिगेंड अप्रोच करेंगे ना, जब सिक्स लिगेंड अप्रोच करेंगे तो सेंसिटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्या रिलेशन है, देखिए डेल्टा टी यहां पर डेल्टा ओ इक्वल टू बराबर तब होगा जब इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, फोर से, इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, नाइन से, यानी नाइन डेल्टा टी इक्वल टू फोर डेल्टा ओ, यानी ये बड़ा है इसमें कम नंबर से मल्टीप्लाई किया, ये छोटा है इसमें ज्यादा नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो इस तरह से रिलेशन के लिए क्वेश्चन आता है। या फिर ऐसे आता है कि देखिए डेल्टा टी इक्वल टू क्या होगा, फोर बटे नाइन डेल्टा ओ, इस तरह से ना, डेल्टा टी इक्वल टू फोर बटे नाइन डेल्टा ओ, ऐसे आता है। एक कॉम्प्लेक्स और है जो कि कंपटीशन पूछा जाता है, ट्वेल्थ में नहीं है, तो उसको समझिए कि स्पार्कलर कॉम्प्लेक्स है। तो देखिए स्प्लिटिंग सबसे ज्यादा इसमें है, डेल्टा तीन डेल्टा बना देते हैं ऐसे, ऐसे डेल्टा बना दिया ना, देखिए एस पी ओ टी इस तरह से लिखते हैं, देखिए एस पी ओ टी स्पॉट ऐसे ना, यानी स्क्वायर प्लैनर स्प्लिटिंग और ज्यादा होगी, स्क्वायर प्लैनर स्प्लिटिंग और ज्यादा है ऑक्टाहेड्रल से, और ऑक्टाहेड्रल भी ज्यादा है किससे, टेट्राहेड्रल से। तो आप स्पॉट याद रखेंगे, हर एक स्पॉट याद रखिए कि आप किससे कहां पे मिलते थे। तो यहां पे स्क्वायर प्लैनर से आपसे पहले मुलाकात होगी क्योंकि उसकी एनर्जी ज्यादा है, उसके बाद कम एनर्जी वाला ऑक्टाहेड्रल, सबसे कम एनर्जी वाला क्या हुआ, टेट्राहेड्रल। तो देखिए ये सब कंपटीशन के लाइन है, ये सब आपको याद होना चाहिए, ये तीनों पॉइंट याद होने चाहिए, दो पॉइंट और
कि ऑक्टाहेड्रल में लिगेंड कहां से अप्रोच करेगा, एक्सिस पर से अप्रोच करेगा ऑक्टाहेड्रल में, और टेट्राहेड्रल में कहां से अप्रोच करेगा, नॉन एक्सिस से अप्रोच करेगा, इन बिटवीन द एक्सिस अप्रोच करेगा, तो उसी के हिसाब से एनर्जी कम और ज्यादा होगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और आप वीडियो को देखने के बाद उसको सब्सक्राइब भी करेंगे ताकि वीडियो जो लाइन में ढेर सारे वीडियो बने रहते हैं उसमें ऊपर आ सके। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।